हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने रक्षाबंधन की स्पेशल थाली को और स्पेशल कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ होममेड चीज़ों से। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ मीडियम साइज की थाली। मीडियम साइज की थाली लेने के बाद मैं उस पर रखती हूँ रेड एंड गोल्डन कलर, फिर उसको मिक्स करके अच्छे से पेंट कर लेती हूँ। पेंट करने के बाद मैं सोचती हूँ इसको लेस से डेकोरेट करूँ। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे अपने सामान में कहीं भी लेस नहीं मिलती है तो मैं सोचती हूँ मेरे पास एक खराब मोतियों की माला पड़ी होती है, तो उसी माला से मैं मोतियों को अलग निकाल लेती हूँ। फिर मोतियों को धीरे धीरे चिपकाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं फेविकॉल लगा लेती हूँ और फेविकॉल के बॉर्डर पर ही मैं मोतियों को चिपकाना शुरू करती हूँ। आप फेविकॉल भी ले सकते हैं, फेवी एक्राइल ले सकते हैं, पर ग्लू नहीं लेना है क्योंकि ग्लू से अच्छे से स्टिक नहीं होते हैं मोती, कभी कभी निकलने का भी डर रहता है। तो मोतियों को अच्छे से चिपकाने के बाद मैं सोचती हूँ बीच वाले पार्ट में क्या किया जाए, क्योंकि बीच वाला पार्ट बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था। तो मैं सोचती हूँ कि रक्षाबंधन की थाली बना रहे हैं तो उसमें एक बहुत प्यारा स्वास्तिक तो होना ही चाहिए, जो कि बहुत शुभ होता है और इस त्यौहार के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं ग्लू की हेल्प से स्वास्तिक बना लेती हूँ। फिर स्वास्तिक के ऊपर मेरे पास कुछ गोल्डन बीट्स पड़ी हुई थी, तो मैं गोल्डन बीट्स से उसको डेकोरेट करना स्टार्ट करती हूँ। मैं स्वास्तिक के ऊपर ही गोल्डन बीट्स को धीरे धीरे रखना शुरू करती हूँ। धीरे धीरे रखने के बाद एक बहुत प्यारा स्वास्तिक बनके रेडी हो जाता है। फिर मुझे प्लेट थोड़ी थोड़ी खाली लग रही थी, मैं साइड के बॉर्डर पे भी कुछ करने का सोच रही थी। मेरे पास कुछ बड़ी बीट्स पड़ी हुई थी, वो भी वाइट कलर वाली, तो मैं पहले 5 बीट्स लगाती हूँ, वो भी छोटी साइज़ की, और बीच में लगा देती हूँ बड़ी वाली बीट। उसके बाद हमारी थाली प्रॉपर डेकोरेट हो जाती है। फिर मुझे चाहिए थी 2 कटोरी। एक्चुअली मैंने सोचा खुद ही बना लेते हैं कटोरी, तो सबसे पहले मैंने क्ले की हेल्प से थोड़ी छोटी छोटी कटोरी बना ली और साथ में 2 स्टैंड बना लिए। सबसे पहले मैंने क्ले को राउंड एंड राउंड किया, फिर उसको रिंग का शेप देके मैंने स्टैंड बना लिया। स्टैंड बनाने के बाद मैं थोड़ा क्ले को गोल करती हूँ, अच्छे से राउंड करने के बाद मैं अंगूठे से उसको पुश कर देती हूँ और कटोरी भी बनके रेडी हो जाती है। फिर मैं कटोरी और स्टैंड को पेंट कर लेती हूँ और उसके ऊपर लेस चिपका के मैं प्लेट के ऊपर रखना शुरू करती हूँ, और लास्ट में उसको राखी और मोरपंख रख के रेडी बनके हमारी रक्षाबंधन वाली थाली। अगर आपको भी थाली देखने में बहुत प्यारी और सुंदर लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।